लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8। फॉलोइंग आइटम्स दिए हुए हैं, एनपीओ है, टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंस, दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि ये एक स्पेसिफिक सिर्फ टूर्नामेंट के लिए फंड दिया गया है, राइट। एक स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है और उसमें आपके पास 80,000 रुपीज़ है, उसमें से आपने 14,000 खर्च कर दिए, राइट। तो पहली चीज़ ये एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है, टूर्नामेंट फंड है, तो यहाँ पर ये हमारी, और उसमें से अगर आप 14,000 लेस कर देते हैं, एक्सपेंस हो गया मतलब खर्चा हो गया, खर्चा मतलब लेस हो गया, तो जो चीज़ आपके पास से चली जाती है और फिर जो आपके पास अमाउंट रिमेन हो जाता है वो आपकी लायबिलिटी होती है। कैसे, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए टूर्नामेंट फंड, अभी हमारा लायबिलिटी साइड में क्यों आता है, ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा, क्यों आएगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मान लीजिए एक राम है, ये एनजीओ चलाता है, इसके पास 80,000 रुपये आए, 80,000 लिखे हैं ना, 80,000 रुपीज़ आए और कहा गया कि आप टूर्नामेंट में इसको खर्च करना, राइट। तो जब उसने एक्सपेंस किया, खर्चा किया, तो उसमें से सिर्फ उसको 14,000 का एक्सपेंस किया। अब इसमें से बाकी जो अमाउंट है, अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 66,000, तो ये अमाउंट उसके पास बच गया, राइट। जो खर्चा हो गया वो तो चला ही गया, बचे हुए अमाउंट को हमें शो करना है। अब ये हम कहाँ शो करेंगे, ये जो है वो इस एनजीओ की लायबिलिटी हो जाती है कि उसको आपको दोबारा टूर्नामेंट में यूज़ करना है, राइट। दैट इज़ वाई इट इज़ टू बी, इट विल बी कम ऑन द लायबिलिटी साइड। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड, अमाउंट है आपका 80,000, राइट। अब माइनस कर देंगे जो पैसे खर्च हो गए, उसको हम लेस कर देंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंस, राइट, अमाउंट इज 14,000, लेस करेंगे तो कितना अमाउंट आता है आपका 66,000। तो ये एनजीओ की लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट कौन बना रहा है, एनपीओ बना रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, तो उसके लिए जो ये 66,000 बच गए वो उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी। अब इसको आप एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मैंने कराया था तो उसमें आपको पता है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं। ये कैपिटल होती कौन सी है, ये कैपिटल वो होती है जो ओनर जो है, जो मालिक है, वो पैसे जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो कैपिटल होती है, राइट। तो वो अपनी कैपिटल को लायबिलिटीज में क्यों लिखता है, क्योंकि बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है कि ये भी एक इंसान है, आर्टिफिशियल है, बट इसकी ये लायबिलिटी है कि जितना भी एक ओनर ने, एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया है वो इसको दोबारा वापस करना है, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी मानी जाती है। वैसे ही अब ये फंड में जो हमें पैसे मिले थे उसमें से जो हमारा अमाउंट बच गया वो इस एनपीओ की लायबिलिटी मानी जाएगी, सो दैट इज वाई इट विल बिकम ऑन द लायबिलिटी साइड। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। सो लेट स्टार्ट द 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से एक फंड दिया हुआ है, पर्टिकुलर फंड, टूर्नामेंट फंड की बात हो रही है, एक्सपेंस हुआ है, अब इसमें एक नई चीज़ आ गई है, रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। जब आपने उस टूर्नामेंट के टिकट्स को बेचा तो आपके पास पैसे आए, रिसीव हुए आपको, तो रिसीव हुए पैसे आए तो क्या करेंगे हम, ऐड, और जब पैसे एक्सपेंस हो जाएगा, चले जाएंगे, तो उसको क्या कर देंगे हम, लेस। सो लेट सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टूर्नामेंट फंड, जो हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट था पहले हम उसको मेंशन करेंगे लायबिलिटी साइड में, अमाउंट आएगा आपका 50,000, देन रिसीव, पैसे आए हैं तो उसको हम ऐड करेंगे, रिसीव्ड फ्रॉम सेल टिकट्स। जब आपने उस टूर्नामेंट की टिकट बेची तो आपके पास पैसे आए, तो आप इसको, पैसे आएंगे तो आप इसको ऐड कर देंगे, देन उसमें कुछ खर्चा भी हुआ, टूर्नामेंट अरेंज करने में सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे आप, वहाँ पर जो भी फैसिलिटी अवेलेबल करेंगे उसमें एक्सपेंस भी होगा आपका, सो टूर्नामेंट एक्सपेंस आप लेस कर देंगे एंड द अमाउंट इज 15,000। सो जब इसको सॉल्व करेंगे 50,000 प्लस 20 70 माइनस 15 55,000। सो आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए हों, सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10, और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। फर्स्ट थिंग, दिस इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और जितने भी इनकम होती है उनको हम क्रेडिट करते हैं। दिस इज़ द नॉमिनल अकाउंट। सो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट साइड उसमें होता है एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड होता है उसमें इनकम, पहली चीज़। दूसरा, ये प्रिपेयर किया जाता है एनपीओ द्वारा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर करती हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर ना करके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, बिकॉज हमें पता है कि एनपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, प्रॉफिट इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव, राइट। सो दैट इज़ वाई वी आर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट थिंग, इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं या तो एक ट्रायल बैलेंस की हेल्प से या फिर एक रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट की हेल्प से, जहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, प्रॉपर कंप्लीट सेट ऑफ बुक हो, वो उसकी हेल्प से ही हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लास्ट थिंग इज, जो हमें ध्यान देनी है, इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आती है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको कहा जाता है सरप्लस और डेफिशिट, राइट। अब सरप्लस और डेफिशिट क्या होता है? सरप्लस का मतलब होता है जब आपकी एक्सेस ऑफ इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाती है। सी, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अगर यहाँ पर आपकी, दिस इज़ द एक्सपेंडिचर साइड एंड दिस इज़ द इनकम साइड, राइट। अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंडिचर साइड आती है तो उसको कहा जाएगा सरप्लस, और अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर इनकम साइड आती है तो उसको कहा जाता है डेफिशिट। डेफिशिट मतलब कमी हो जाना और सरप्लस मतलब ज़्यादा हो जाना। ज़्यादा क्या हो जाएगा? जब भी आपका एक्सेस ऑफ इनकम होता है ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनकम होता है तो आप कहते हैं सरप्लस, और इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है तो आप कहते हैं डेफिशिट, राइट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो आपको याद होगा यहाँ पर प्रॉफिट आता था, नेट प्रॉफिट बोला जाता था, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आती थी तो उसको नेट लॉस कहा जाता था। वैसे ही यहाँ पर नेट प्रॉफिट ना बोलकर हम सरप्लस बोलते हैं, और यहाँ पर नेट लॉस ना बोलकर डेफिशिट बोलते हैं, राइट। जब हम इसको और क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। सी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें केस 1 और केस 2 दिया हुआ है। पहले हम केस 1 सॉल्व करेंगे, देन वी विल गो टू द केस 2। केस 1 में हमें प्राइज फंड, एक प्राइज फंड की बात हो रही है। जैसे हमने 8 और 9 क्वेश्चन में टूर्नामेंट फंड की बात की, वैसे ही अब हमें प्राइज फंड की बात हो रही है। तो इसमें प्राइज फंड है हमारे पास 50,000, टोटल हमारे पास 50,000 रुपीज थे, राइट। उसमें से प्राइज को अवार्ड हुए 12,000 और मैच एक्सपेंसेस, अब मैच एक्सपेंसेस तो प्राइस से बिल्कुल अलग है, तो इसको हम अलग डील करेंगे, और प्राइज फंड और प्राइज अवार्डेड एक साथ आएंगे। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस फर्स्ट केस। सो दिस इज़ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये आपका बैलेंस शीट है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट हमने क्यों बनाया? देखिए, यहाँ पर जो हमें शो करना है दैट इज मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस देखिए, जो केस 1 में लिखा हुआ है हमें मैच एक्सपेंस, सिर्फ उसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, सिर्फ हमें मैच एक्सपेंस दिया हुआ है। एक्सपेंस मतलब ये खर्चा है और डिटेल नहीं है। सो दिस विल बिकम ऑन द एक्सपेंस साइड, एक्सपेंडिचर साइड, राइट। तो हम इसको यहाँ दिखाएंगे मैच एक्सपेंस एंड द अमाउंट इज 15,000। अब हम आ जाते हैं वहाँ पे जो प्राइज फंड दिया हुआ है। जैसे हमने 9 और 10 क्वेश्चन में टूर्नामेंट फंड की बात की थी, वैसे ही एक पर्टिकुलर फंड है प्राइज का, प्राइस से रिलेटेड फंड, राइट। तो उसमें आपके पास टोटल 50,000 रुपीस थे, उसमें से आपने प्राइस अवार्ड, जो अवार्ड दिए ना आपने प्राइस, उसमें आपके खर्च हो गए 12,000 रुपीस। तो जो पैसे चले गए उनके से तो हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन 50,000 में से 12,000 जाने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचा है दैट इज 38,000। तो ये एनपीओ की लाइबिलिटी है, दैट इज़ वाई वी आर शोइंग इट ऑन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। आई होप आप लोगों को केस 1 क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स मेक इट द कैश केस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द केस नंबर 2। सी, केस 2 में मैच फंड, मैच एक्सपेंस, मैच के बारे में दो डिटेल है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, चार चीज़ें हो गई मैच फंड के बारे में। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट हमारा असेट होता है, कहीं पर आप पैसे लगाते हैं तो वो आपका असेट माना जाता है। और लास्ट में दिया हुआ है हमें प्राइज अवार्ड, ये चीज़ अलग है, इससे आप इसको रिलेट नहीं कर सकते। ये केस 1 है, ये केस 2 है,
अब यहाँ पर जो प्राइज अवार्ड था ये अलग है, ये प्राइज अवार्ड अलग है। अब यहाँ पर कोई प्राइज से रिलेटेड फंड नहीं है, बट यहाँ पर अवार्ड दिखाया हुआ है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। सो लेट्स स्टार्ट द केस नंबर टू। एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट हमने बनाया है और बैलेंस शीट। सबसे पहले हम मैच फंड, जिसके बारे में पूरी डिटेल रखी हुई है, उसको हम देखते हैं। मैच फंड मतलब एक टोटल अमाउंट जो था वो था 1 लाख का एनपीओ के पास, राइट। अब 1 लाख में से एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्चा हो गया, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना खर्चा हुआ है, 35,000, क्लियर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट जो लिखा हुआ है ना उसके बाद, अगर इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं आपने पैसा लगाया, तो जब आप पैसा कहीं लगाओगे तो वो आपका असेट होगा, तो उस इन्वेस्टमेंट को आप असेट साइड शो करेंगे, राइट। एंड द अमाउंट इज 60,000, क्लियर है, 60,000। तो यहाँ पर हम 60,000 ये लिखेंगे, ये 60,000 आपने कहीं पर इन्वेस्ट किए हैं। तो ये उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड। इंटरेस्ट मतलब कहीं से आपको इंटरेस्ट आया है मैच फंड पे, सॉरी मैच फंड की बात हो रही है ना, तो मैच फंड पे, इस फंड पे आपको इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट मिला है तो आप इसको ऐड कर देंगे, राइट। अमाउंट इज 3,000, बात समझ आ रही है। मैच फंड में आपके पास 1 लाख रुपए थे, खर्च हो गए 35,000, इंटरेस्ट मिला आपको उस मैच फंड पे 3,000 का। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, जो भी अमाउंट आएगा दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ एनपीओ, राइट। अब आ जाते हैं, उसमें लिखा है प्राइज अवार्डेड। उसमें कोई फंड की बात नहीं हो रही कि प्राइज फंड में कितने पैसे थे, सीधा अवार्ड, अवार्ड अभी हमने जैसे केस वन में देखा कि अवार्ड को हमने एक्सपेंस मानकर माइनस किया, तो अगर इसमें फंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप बैलेंस शीट में तो मान डाल नहीं सकते, माइनस नहीं कर सकते, तो ये आपका सीधा आ जाएगा एक्सपेंडिचर में, प्राइज अवार्ड अवार्डेड। अमाउंट इज 19,000। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। थैंक यू।